क्रूज ड्रग्स में जब्त होने के मामले में गिरफ्तार अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट आज सुनवाई करेगा। कोर्ट में आज इसी मामले में गिरफ्तार फैशन मॉडल मुनमुन धमेजा की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी। इससे पहले आपको बता दें कि विशेष अदालत ने आर्यन खान को जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि ये ड्रग्स संबंधी गतिविधियों में नियमित रूप से शामिल थे। विशेष अदालत ने कहा था कि व्हाट्सएप चैट से भी प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि वो ड्रग्स तस्करों के संपर्क में थे और कोर्ट ने अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेजा की जमानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया था। एनसीबी के 3 अक्टूबर को मुंबई के तट से गोवा जा रहे क्रूज नौका से मादक पदार्थ जब्त करने के मामले में तीनों आरोपियों सहित कई अन्य को गिरफ्तार किया गया था। आर्यन खान और मर्चेंट आर्थर रोड जेल में बंद हैं, वहीं धमेजा शहर की बायकुला महिला जेल में बंद हैं। इन पर एनडीपीएस कानून के तहत मादक पदार्थ रखने, इनका इस्तेमाल करने और तस्करी करने का आरोप है। ऐसे में मामले में अभी तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सुनवाई का समय कन्फर्म नहीं हुआ है, लेकिन एनसीबी के मुंबई जोनल निदेशक समीर वानखेड़े, जिन्होंने सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से संबंधित क्रूज ड्रग्स भांडाफोड़ का नेतृत्व किया लेकिन अब रिश्वत के आरोपों का सामना कर रहे हैं। सोमवार शाम को भी वो दिल्ली पहुंचे। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्हें किसी एजेंसी ने तलब किया है। मीडिया कर्मियों से घिरे वानखेड़े ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर पहुंचते ही कहा कि वह अपनी जांच पर पूरी तरह से कायम है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज 8वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। बीते रविवार को डीजल के दाम 34 से 38 पैसे तो वहीं पेट्रोल के दाम 30 से 35 पैसे बढ़े थे। कई राज्यों में इसके दाम 100 रुपए के ऊपर पहुंच चुके हैं। ऐसे में देश में रोजाना बढ़ते ही पेट्रोल डीजल के दाम आम आदमी की आमदनी पर असर डाल रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 107 रुपए से पार हो चुका है जबकि डीजल का दाम 96 रुपए प्रति लीटर के ऊपर पहुंच चुका है। मुंबई की बात करें तो वहां पेट्रोल की कीमत 113 रुपए से ऊपर हो चुकी है जबकि डीजल की कीमत 104 रुपए से ज्यादा पहुंच चुकी है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 108 रुपए प्रति लीटर के ऊपर है तो डीजल का दाम भी 99 रुपए प्रति लीटर के ऊपर पहुंच चुका है। वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 104 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा मिल रहा है तो डीजल की कीमत भी 100 रुपए प्रति लीटर के ऊपर पहुंच गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल का दाम 100 रुपए के पार हो चुके हैं। ऐसे में मुंबई में पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा है लेकिन आज थोड़ी सी राहत भरी बात यह है कि आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं क्योंकि जिस तरह से पिछले काफी दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा था लेकिन आज पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई भी इजाफा नहीं हुआ है।